एपी7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। खबर की शुरुआत करते हैं छतरपुर से। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अरविंद वर्मा की यह खबर। भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले थाली ताली बजा कर किया अनोखा प्रदर्शन। छतरपुर शहर में आज भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले युवाओं ने ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय छतरपुर पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन छतरपुर कलेक्टर को सौंपा। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार युवा मौजूद रहे। छतरपुर से MP7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अरविंद वर्मा। आज यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से यह आंदोलन लगातार देश में 567 जिलों में यह आंदोलन किया जा रहा है। बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण यह आंदोलन निश्चित किया गया था। वो आज यह दूसरा चरण है। पहला चरण जो था वो 27 तारीख को था, आज यह दूसरा चरण है। और आज इस चरण में हम लोग थाली पीट कर सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं बचा है। लगातार देश में प्रतिदिन 38 युवा आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण, जिसको हमारी सरकार और राज्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चुनौती है, चेतावनी है कि जल्द से जल्द हम लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। जितनी भी भर्तियाँ नियुक्तियाँ खाली पड़े पद हैं उनको भरा जाए, नहीं तो हम लोग तीसरा चरण में 25 मई को भारत बंद करेंगे और आने वाली 25 तारीख को छतरपुर बंद भी करेंगे। क्या लिखा हुआ थाली में? थाली में लिखा है मैं भी बेरोजगार। ये भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है और उनके द्वारा बेरोजगार युवकों को रोजगार देने और रोजगार भत्ता देने के लिए, बेरोजगार होने से भत्ता देने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसको हम उनके मांग के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे। किस तरह से